हेलो सर, मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं एक बहुत बड़ा बेरोजगार आदमी हूँ। तो सर, मेरे पास 10-11 हज़ार रुपए हैं। तो मैंने सुना है कि आप चाय पत्ती का काम करते हो, तो क्या मैं 10-11 हज़ार रुपए से चाय पत्ती का बिजनेस कर सकता हूँ? ओके, वेलकम। बिल्कुल कर सकते हैं, और क्यों नहीं कर सकते जी, बताइए भाई। ये तो हम लोगों को बताते बताते 6 साल हो गए ऑनलाइन, और इसके लिए हमने YouTube भी खोला हुआ है। उसके ऊपर हम लोग 500 कुछ वीडियो इसी के ऊपर बना रखी हमने कि आपने चाय पत्ती का बिजनेस कैसे करना है। आओ, बिल्कुल हम बताते हैं। आपके पास कितने हज़ार रुपए एग्जैक्ट? लगभग 10-11 हज़ार रुपए है मेरे पास। 10-11 हज़ार। आप मेरे कहने से अभी जो चाय का थोड़ा रेट बढ़ा हुआ है, क्योंकि पहले क्या था, 150-130 रुपए किलो तक चाय मिल जाती थी। जी सर। अभी क्या है, लगभग 230-220 रुपए तक की चाय मार्केट में अवेलेबल है, और हमारे स्टॉक में भी इसी रेट के अवेलेबल है। तो मैं कह सकता हूँ कि आपको कम से कम, आप जो हैं, 2 बैग आपके लगभग 12.5 हज़ार रुपये के आ जाएंगे जी। और उसके बाद फिर आपका जो है, एक ये मशीन आ जाएगी आपकी लगभग 1000 या 1200 रुपए की। और फिर आपको मैं इस तरह के पाउच, छपे छपाए पाउच, ये तो हमारा अपना ब्रांड है बल्टी के नाम से, या आपको सिंपली इस तरह के पाउच मैं दे दूंगा। लगभग इसके लिए आपको 500-1000 रुपए लगेंगे। तो कुल मिलाकर आपके, मैं समझता हूँ, 13-14 हज़ार रुपए का अरेंजमेंट आपने करना पड़ेगा। तो इतना क्या कर लोगे आप, कर लोगे आप इतना? ओके सर। ओके, लेट्स गो। अब आप मेरे साथ आइए। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एक फूड डिपार्टमेंट होता है, उससे ऐसा है कि FSSI का लाइसेंस निकलवा लेना है। ये दिख रहा है आपको FSSI? ओके सर, दिख रहा है। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो आपके एरिया में जो भी आपका CA वगैरह होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके पास भी जा सकते हो। वो भी आपको ये बनवा के दे देगा। वो इसके खाली फीस लेगा आपसे लगभग 2000 रुपए के आसपास, इसलिए एक साल का आपको बनवा के दे देगा। तो ये चीज वहां से बनवा लो, ठीक है? Okay. इसके बाद अब आप मेरे पास आओ। देखिए, आइए मेरे पास आइए। जैसे कि ये हमारा अपना ब्रांड है जी। अब आप कह रहे हो कि आप अपने नाम से ब्रांड लेना चाहते हो, जैसे ये हमने अपने नाम से रखा है बल्टी के नाम से। Okay. तो आपने इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेने के बाद जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर को कॉन्टेक्ट आप कर लो आगे। और इसके लिए फिर आपको कम से कम, मैं समझता हूँ आज की तारीख में, आज की डेट में लगभग आपको 90 हज़ार रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा पाउच के ऊपर। okay. ये आपको, अगर आपका 1.25 लाख का बजट है तब, लेकिन आपका बजट तो कम है ना। आपका बजट है, आपने कहा 12-13 हज़ार रुपये, तो मैं 15 हज़ार रुपये मान के चल रहा हूँ, कोई बात नहीं। फिर आपके लिए मैं तरीका बताता हूँ। ये ऐसा पाउच आप लीजिए, इसको सिल्वर फॉइल बोलते हैं। okay. ये सिल्वर फॉइल आप लीजिए, और आप देखिए इधर ये ऐसे स्टिकर होते हैं, ये स्टिकर है, ये स्टिकर आपने किसी कंप्यूटर वाले से अपने नाम से छपवा लो, कोई भी नाम रख लो अपना। okay. उसके ऊपर अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, पता वगैरह ऐसे छाप के, और ये एड्रेस आपने जैसे लिया, सपोज करो ये एक शीट है, इसको बोलते हैं गम शीट। okay. 12x18 साइज की ये गम शीट है, इसके ऊपर ये सब जो आपने अपने वो छपवा लिए। और फिर आपने क्या करना है, मान लीजिए ये आपने ऐसे उतारा, ये देखिए, ये ऐसे और ये ऐसे, ये देखिए आप, ये लो चिपक गया। तो आपका ऐसे एक नॉर्मल सा काम चालू हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जैसे कि आइए आप मेरे साथ आइए, मैं आपको अंदर दिखा रहा हूं। जैसे आपने सिंपली चाय पत्ती ली है। okay. ये देखिए, ये आपको चाय पत्ती दिख रही है जी। ये चाय पत्ती क्या है, इसके अंदर हमने ये लीफ भी थोड़ी इसके अंदर मिलाई, यानी कि ये चाय पत्ती की लीफ होती है, पत्तियां बोलते हैं इसको हम लोग, और ये इसके अंदर आप मिला लीजिए, देख रहे हैं आप लोग। okay. यानी कि आपने ज्यादा अगर ये 100 किलो चाय ले लिया आपने, प्लेन कोई भी ग्रेड जो आपके यहाँ चलता है, इससे तो पहले आप सिंपल मंगवा के देख लेना, सिंपल आपको दे दूंगा। फिर आप जो है ना, इसको मिला लो, यानी कि आप लगभग हमसे अगर 100 किलो चाय ली आपने, तो 100 किलो चाय में ये 2 किलो लीफ ये मिला दो, मिला दी आपने। आइए आप, अब आप आगे आइए। फिर आपने क्या करना है, ये आपने एक कांटा लिया, कांटा, और ये कांटे पे आपने ऐसे ये तोल के, ये तोलिया आपने, देखिए आप, ये मैं कांटा आपको चला के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कांटा हमने यहां से कनेक्ट किया और ये कांटा कनेक्ट हो गया, ये देखिए आप,
आप देखते रहिए, ये काटा कनेक्ट हो गया। ये हमने इसमें चाय ली और इसके अंदर भर दी, भरी की चाय पत्ती, ये समझो आधा किलो चाय तोली हमने। हमने यहाँ पर 10 ग्राम थोड़ी फालतू ली है, क्योंकि हम लोग गठतोली नहीं करते और किसी को भी गठतोली नहीं करनी चाहिए, थोड़ी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ये रूल भी है। अब आप आ जाइए, जैसे कि यह हमारा पैकेट है, फिर आपने क्या करना है, इस पैकेट को ऐसे पकड़ा, देखिए आप देख रहे हैं, और इसको आपने ऐसे ऐसे दबाया, ये देखो दो बार दबा दो इसको आप, और थोड़ी एहतियात के लिए एक बार और दबा दो, तो क्या होगी, ये हो गई है सील पैक। क्या हो गई, ये हो गई सील पैक। इसके ऊपर जैसे मैंने स्टिकर आपको लगा के दिखाया था, इसके ऊपर ये ए लो में एक स्टिकर आपको और लगा रहा हूं, हालांकि यह तो हमारा पता का एड्रेस होता है स्टिकर, क्योंकि हम लोग पार्सल भेजते ना बाहर सबको, उसके लिए होता है, लेकिन आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं। देखिए हो गया ये, तो क्या हो गया, अब आपने क्या करना, इस चाय को लेके जो चाय पत्ती वाले लोग होते हैं, दुकानदार होते हैं, यानी कि जो चाय जो बनाने वाले होते हैं, उनके पास आपने जाना है। ये थोड़ी आपकी मेहनत का काम है, आप नए नए जाएंगे, कई बार वो आपको रिजेक्ट करेंगे, आपको मना कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी न किसी से माल पहले से ले रहे हैं। और आजकल क्या है, मार्केट में बहुत सारे लोग उधारी पे माल ले रहे हैं। उधारी पे माल लेने का मतलब है कि उन लोगों से वो दबे हुए हैं, ऐसे में जब आप नए उनके पास जाते हो तो वो जल्दी से आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आपने मेहनत करनी है, काम करना है, वहां पर अपनी जगह बनानी है। अगर वहां पर आपने मार्केट में दुकानदारों में अपनी जगह बनाई तो आपकी एंट्री हो गई, और आपकी एंट्री हो गई आपका बिजनेस चालू हो गया। तो इस तरीके से आप कम से कम डेली 20 लोगों को टारगेट कीजिए, यानी कि 20 लोगों तक पहुंचिए अपनी चाय पत्ती लेके। 20 लोगों तक जब आप जाएंगे तो कुछ लोग आपसे एग्री होना चालू हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके अपनी सेल बढ़ाइए, आप सेल बढ़ाएंगे फिर आप मार्केट में अच्छा जाएंगे। लेकिन इस तरीके से आपने शुरू में मेहनत करनी होगी। क्या होता है, बहुत सारे लोग काम तो शुरू करते हैं लेकिन वो जल्दी ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी एक झिझक या शर्म होती है, वो खुलकर बात नहीं कर पाते, दो चार लोग उनको मना कर देते हैं, वो उसी से घबरा जाते हैं और ऐसे उठाकर फेंक देते हैं, यह है, यह हमारे बस का नहीं है। क्या बोलते हैं, ये हमारे बस का नहीं है। नतीजा क्या होता है, वो लोग फिर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, घर छोड़ के बाहर रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे फॉरनर में रह रहे हैं, सऊदी अरब में रह रहे हैं, यहाँ वहाँ रह रहे हैं, अपने यहाँ अगर यहाँ मेहनत कर लेंगे तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर भी तो मेहनत करना है हमने। आजकल आप देख रहे हो माहौल खराब है, कहाँ पर क्या फता जाए, क्या मुसीबत आ जाए, उससे अच्छा है आप अपने लोकल में अपने एरिया में ही काम कर लें। तो मेरी तो आपको सलाह यह है कि आपने जो सोचा है वो काम बिल्कुल आप कीजिए, उसमें कुछ भी आपको जरूरत है, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, हम देंगे। अब देखिए ये हमारे एक कस्टमर का जैसे माल तैयार हो रहा है, ये आपको हम लोग पूरा तैयार करके उसकी पैकिंग बना के उसको हम लोग भेज देंगे। तो हमने भी कभी इसी तरीके से शुरू किया था, और हम तो पूरी इंडिया के लोगों को जगह जगह सिखा रहे हैं। अभी हम लोग 19 दिसंबर 2024 को पुणे में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, वहां पर सिखाएंगे सबको, बहुत सारे लोग आएंगे। देखो इधर भी आए, हम लोग बहुत सारे लोगों को आप ये जरा दिखाएंगे, हम लोग चाय फैक्ट्री में बार बार लेके गए, इतने सारे लोग आए हमारे साथ। इधर आप दिखा सकते हैं, जैसे कि हमारा कोलकाता, दिल्ली, पुणे, मुंबई, गुवाहाटी, आसाम, डिब्रूगढ़, जगह जगह हमारे ये सब मतलब चाय के ट्रेनिंग के प्रोग्राम हुए, और हम दोबारा फिर पुणे में आ रहे हैं। अगर आपको और ज़्यादा बारीकी की आना है, आप भी वहाँ पर आ सकते हो। अगर आपको आसपास पड़ता है और आप नहीं आ सकते हो तो आप फिर यहाँ मेरे ऑफिस आ सकते हो। मेरा ऑफिस एक सहारनपुर में है, एक गुवाहाटी में है, और एक डिब्रूगढ़ में है। आपको जो नज़दीक पड़े वहां पर आ जाइए, मैं तो ये बात बोलता हूँ। और बाकी कोई भी दिक्कत है आप हमसे कंसल्ट कीजिए, हम आपको पूरी सलाह देंगे। और आपने घर बैठे सैंपल मंगवाने, वो भी आप मतलब मंगवा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको फुल हेल्प मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी, कुछ भी आपको चाहिए वो घर बैठे मिलेगा। आप लेडीज हो, लेडीज भी आप कर सकती हैं।
लेडीज आजकल क्या है, बहुत परेशान है, मजबूर हैं, घर में वो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी कुछ काम चाहिए। अगर वो भी अपने सेविंग से 10-12 हज़ार रुपये लगाकर अपना काम कर सकती हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी वेलकम है। कुछ भी उनको हेल्प चाहिए, कुछ भी उनको चाहिए, वो हम दे सकते हैं। तो आज के इस बात से आप इस बात को समझिए कि आपको हम कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। मेरा नंबर नोट आप कर लीजिए, 9760111362। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये मेरा मोबाइल नंबर भी है। आपको फोन अटेंड नहीं होता तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, मैं पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर भेज दूंगा आपको। ठीक है, आपको कैसी जानकारी लगी मेरी? बहुत अच्छी जानकारी लगी सर आपको। ओके, थैंक यू और मोस्ट वेलकम आपका।